जशपुर जिले की कोतवा चौकी पुलिस ने दस्तावेज का धोखे से दुरुपयोग कर एवं कूट रचना कर अनेकों वाहनों को फाइनेंस कराकर विक्रय करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी सरगना शाहरुख खान एवं सह आरोपी वसीम अकरम को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 10 बुलेट एवं एक स्कूटी वाहन को जब्त किया है। आशीष शर्मा ने कोतवा पुलिस चौकी में एक आवेदन प्रस्तुत किया था कि उसे कोरियर के माध्यम से एक RC बुक प्राप्त हुई जिसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर एवं इंजन नंबर इत्यादि अज्ञात था। उक्त वाहन को हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस कंपनी के द्वारा फाइनेंस किया गया है। आवेदक एवं इसके परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा किसी प्रकार का इस वर्ष वाहन नहीं खरीदा गया है और न ही इनके द्वारा किसी प्रकार का मूल दस्तावेज दिया गया है। ठगी का गंभीर प्रकरण सामने आने पर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी द्वारा SDOP पत्थलगांव ध्रुवेश कुमार जायसवाल एवं चौकी प्रभारी कोतवा को बारीकी से जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे। मामले की जानकारी SP शशि मोहन ने न्यूज टीम को दी। जी सर, कोतवा पुलिस चौकी में प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि एक दिन अचानक उसके पास में एक बुलेट गाड़ी का RC आता है। वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैंने किसी गाड़ी को फाइनेंस नहीं कराया। इसकी रिपोर्ट लेने के बाद पुलिस के द्वारा छानबीन किया गया तो एक गैंग के बारे में पता चला। उसमें से 2 सदस्यों को लाकर हिरासत में पूछताछ किया गया और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और इनके पास से 10 बुलेट और एक स्कूटी को अभी जब्त कर लिया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार करके इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और इसकी जो कहानी समझ में आ रही है कि एक गैंग जो सक्रिय है जिसमें गाड़ी के फाइनेंसर और शोरूम वाला, जो बुलेट का शोरूम वाला है जो बैकुंठपुर का, और साथ ही इसमें कुछ लोग जो कि चॉइस सेंटर के कुछ लोग हैं, ये सभी लोग मिलकर फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फाइनेंस करा लेते थे और गाड़ियों को उठा लेते थे। अभी इनमें और गिरफ्तारी किए जाना शेष है। उसके बाद इस गैंग की पूरी एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलेगा। फिलहाल इनको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा।